ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम आज के वीडियो में समझते हैं दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2023 कैसा बीतेगा। और आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले में पंचांग को दिखाया जा रहा है। कल श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पड़ने वाली है और श्रावण कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी रहेगी वो 10:08 तक रात्रि में रहेगा। उसके बाद अमावस्या तिथि भी कल के दिन प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र जो रहेगा आद्रा नक्षत्र रहेगा और रात्रि कहा जाए 2:39 तक रहेंगे और उसके बाद चंद्रमा मिथुन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो ओवरऑल क्या कंडीशन बनती है मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का समझते हैं। स्टार्ट करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए मेष लग्न वाले जातकों का दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी लेकिन खर्चों से आपको सावधान रहना चाहिए। फिजूल खर्ची से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए नहीं तो आर्थिक रूप से परेशानी कल के दिन देखने को मिलेगी। कार्य के क्षेत्र में आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। नए चैलेंजेस सामने आ सकते हैं लेकिन किसी पुराने मित्र या रिश्तेदारों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में हालांकि खुशियों का वातावरण रहेगा और प्रेम प्रसंग में कुछ मतभेद होने की संभावना बन रही है। कल का शुभ अंक 1 और जो शुभ रंग है वो नारंगी बन रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कल का दिन 92% तक अच्छा रहेगा। और उपाय के लिए गौ माता की अगर आप सेवा कर देते हैं और दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अति श्रेष्ठ हो जाता है। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन वाले जातकों को दैनिक रोजगार के क्षेत्र में लाभ की स्थिति कल के दिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपका जो वैवाहिक जीवन रहेगा दाम्पत्य सुख जो रहेगा वो मधुर बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में धन का निवेश करने के लिए अगर आप विचार बना रहे हैं तो निश्चित रूप से निवेश के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना चाहिए और आज अपना कुछ समय यात्रा में मनोरंजन के लिए आप निकाल पाइएगा। परिवार में शुभ कार्यों का आयोजन भी हो सकता है और आपके कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। कई प्रकार की नई जिम्मेदारी आपको कल के दिन दिए जा सकते हैं। आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। कल का जो शुभ अंक है 9 और जो शुभ रंग आ रहा है केसरिया आ रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 78% तक का दिन अच्छा रहेगा और कल के दिन खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए और शुक्र के बीज मंत्र ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शा शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए जिससे दिन आपका अच्छा बीते। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए आज के दिन आप भावनाओं में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं इसलिए इमोशनल मत रहिएगा और आज आपको सावधान भी रहना चाहिए। पुराने किए गए कार्यों से आपको लाभ मिलने की भी संभावना मैं कल देख पा रहा हूँ। साथ ही पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और दूर संचार के माध्यमों से कोई शुभ समाचार कल के दिन मिलता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। ओवरऑल कंडीशन जो रहेगी मिथुन लग्न के लिए अच्छी रहेगी और लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं और यात्रा करनी भी चाहिए। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग हरा बनकर आ रहा है। 82% तक का दिन आपके लिए कल अच्छा रहेगा और दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए गणेश जी की अगर आराधना कर लेते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। अगले लग्न की बात करते हैं कर्क लग्न। देखिए आज के दिन कार्य व्यवसाय या व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में कहा जाए तो अचानक आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं जिससे कि मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी वर्ग सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें कुछ अच्छे परिणाम यहाँ पर कल के दिन मिलते हुए दिखाई देंगे।
अंक 6 और जो शुभ रंग है वो नीला बनकर आ रहा है। कल कुल मिलाकर 81% तक का दिन ओवरऑल अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप कर लेते हैं तो आपके लिए कल का दिन और अच्छा रहेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, सिंह लग्न। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों को कल के दिन अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए और किसी पुरानी बातों को लेकर हालांकि तनाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन वाणी पर संयमित रखिएगा। कार व्यवसाय में निवेश के नए विचार बनाना चाहिए तो कल के लिए अच्छा, नए विचार बनाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए कल का दिन अच्छा है। परिवार में जो दिन रहेगा ओवरऑल सामान्य रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और प्रेम प्रसंग में और रिश्तों में भी मधुरता बनी रहेगी। जीवन को सफल बनाने के लिए आपको और मेहनत करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। कल का शुभ अंक 5 और जो शुभ रंग बन रहा है वो रक्त लाल बन रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओवरऑल 92% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आदित्य हृदय स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो अति उत्तम रहने वाला है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों का आज का दिन जो रहेगा सामान्य से कहा जाए अच्छा रहने वाला है। किसी नए कार्य की योजना अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप सफल रहिएगा और छात्रों को भी सफलता मिलने की संभावना कल के दिन ज़्यादा दिख रही है, परंतु परिवार और वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए और तभी आप अपने जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं। और वाणी को संयमित रखना चाहिए, इसको स्पेशली आपको नोट करके रखिएगा। कल का शुभ अंक 9 और जो शुभ रंग है वो पीला बनकर आ रहा है। 78% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं और बुध के बीज मंत्र का जाप करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अगले लग्न की बात करते हैं, तुला लग्न। देखिए, तुला लग्न वाले जातकों का जो दिन रहेगा वो सामान्य बीतता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य व्यवसाय में की गई योजनाओं में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में संतान से सुख की प्राप्ति भी आपको मिलेगी, परंतु स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां कुछ ना कुछ लगी रहने वाली है। इसके अलावा जो लोग राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय जो है अच्छा प्रतीत होगा, अच्छे परिणाम को लेकर आने वाला है। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग काला बन रहा है। कुल मिलाकर ओवरऑल दिन 78% तक अच्छा रहेगा और शुक्र के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं तो दिन और अच्छा रहने वाला, श्रेष्ठ हो सकता है। अगले लग्न की बात करते हैं, वृश्चिक लग्न। देखिए, वृश्चिक लग्न वाले जातकों को मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी और उसमें आप सफल भी रहेंगे। आप में ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो लोग मार्केटिंग का कार्य करते हैं वृश्चिक लग्न के लिए, उनके लिए आज का दिन अप्रत्याशित सफलता लेकर आने वाला है। जीवन साथी के साथ अधिक समय आप व्यतीत कर पाइएगा, सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा ले पाएंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा जिससे मानसिक तनाव कम होंगे। कल का शुभ अंक 8 और शुभ रंग आसमानी आ रहा है। कुल मिलाकर जो दिन रहने वाला है 82% तक अच्छा रहेगा और दिन को और श्रेष्ठ बनाने के लिए बजरंग बाण का आपको पाठ कर लेना चाहिए। दारिद्र दुख दहनाए नमः शिवाय का अगर आप पाठ करते हैं तो आर्थिक रूप से जो समस्या चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। अगले लग्न की बात करते हैं, धनु लग्न। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों को आज आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और पूरा दिन अगर कहा जाए तो खुशियों से परिपूर्ण रहना है। चाहे वो प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, चाहे वो जीवन साथी से बात किया जाए, हर तरीके से आपके लिए अच्छा रहने वाला। इवन जीवन साथी आर्थिक मदद भी कर सकती हैं। आर्थिक क्षेत्र में आपको आप आत्मनिर्भर हालांकि रहेंगे और परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग हल्का हरा बनकर आ रहा है।
कुल मिलाकर ओवरऑल जो दिन रहेगा 75% तक अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप जाप कर ले पाठ कर लेते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। और अत्यधिक अच्छा करने के लिए गरीबों की अगर आर्थिक मदद कर देते हैं तो कल का दिन वैसे भी अच्छा हो जाएगा। अगले लग्न की बात करते हैं, मकर लग्न। देखिए मकर लग्न वाले जातकों का जो दिन रहने वाला है वो आपके पक्ष में रहेगा। कोर्ट कचहरी के अगर फैसले आएंगे तो वो भी आपके पक्ष में ही रहेंगे और करियर के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव परिणाम मिलेगा, मनचाहा परिणाम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना की जा सकती है, साथ ही कार्य के सिलसिले में यात्राएं भी हो सकती हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फायदा देगा। कल का शुभ अंक 8 और जो शुभ रंग बन रहा है आसमानी बन रहा है और दिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो 90% तक का दिन अच्छा रहेगा। शनिदेव की आराधना करें तथा आपको शिव मंदिर में जाइए, वहाँ पर शिव भगवान को जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, जिससे कि आपका दिन काफ़ी अच्छा बीते। अगले लग्न की बात करते हैं, कुंभ लग्न। देखिए आज आपकी कई योजनाएं जो रहेंगी बहुत दिनों से जो रुकी हुई थी उसके पूर्ण होने की संभावना बन रही है। परिवार में भी खुशियों का वातावरण रहने वाला है और कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। इवन आपकी ऊर्जा शक्ति से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं, पूरे दिन ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। फिजिकल सुख जो होता है उसमें बढ़ोतरी होता हुआ दिखाई दे रहा है और दूर संचार माध्यमों से लाभ की स्थिति बन रही है। शुभ अंक 3 और शुभ रंग जो है आसमानी बन रहा है। कुल मिलाकर कल का दिन 80% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। उपाय के लिए शनिदेव की आराधना करना चाहिए और शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए, जिससे कि दिन आपका श्रेष्ठ बीते। अंतिम लग्न की बात करते हैं, अर्थात मीन लग्न। देखिए मीन लग्न वाले जातकों का जो दिन रहेगा वो औसत बीतने वाला है। घरेलू कार्यों को लेकर परिवार की चिंताएं बढ़ सकती हैं और आज आपको किसी से भी मदद, अगर आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि कोई मदद करेगा तो निश्चित रूप से मदद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नौकरी व्यवसाय में पॉजिटिव योग बन रहे हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, तरक्की के योग बन रहे हैं। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको पॉजिटिव परिणाम भी मिलेगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, परिवार के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा, इसलिए कल का जो दिन रहेगा औसत से अच्छा बीतेगा। शुभ अंक 1 और शुभ रंग रक्त लाल बन रहा है। कल का दिन ओवरऑल देखा जाए तो 68% तक अच्छा रहेगा और किसी गरीब व्यक्ति की अगर आप आर्थिक रूप से मदद कर दें तो कल का दिन और अच्छा बन जाएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का 16 जुलाई 2023 श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।